प्रिय मित्रों, मैं आपका दोस्त गणेश अव्हाड़, आप सभी मित्रों का आपके अपने YouTube चैनल ओम टेक की दुनिया में हृदय से हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को अंत तक अवश्य देखिए और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। जैन दर्शन सनातन संस्कृति से निकला हुआ एक महत्वपूर्ण दर्शन है। हिंदू और जैन दो शरीर लेकिन आत्मा एक है। यह भी कह सकते हैं कि एक ही कुल के दो धर्म हैं। जैन और हिंदू धर्म एक ही भूमि पर उत्पन्न और विकसित हुए हैं, इसीलिए दोनों की ही सांस्कृतिक और धार्मिक परंपरा एक ही है। दोनों ही एक ही वृक्ष की दो शाखाओं की तरह है। हालांकि दोनों का दर्शन भिन्न है, लेकिन यह भिन्नता गहराई से देखने पर लुप्त हो जाती है। भगवान विष्णु ने ऋषभदेव के रूप में 8वां अवतार लिया था। भगवान ऋषभदेव जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर माने जाते हैं। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थकर हुए हैं। जैन धर्म के 24वें तीर्थकर महावीर स्वामी अहिंसा के मूर्तिमान प्रतीक माने जाते हैं। उनका जीवन त्याग और तपस्या का द्योतक माना जाता है। उन्हें एक लंगोटी तक का परिग्रह नहीं था। जब हिंसा, पशुबली, जाति पाति के भेदभाव जिस युग में अपनी चरम सीमा पर थे, उसी युग में भगवान महावीर और भगवान गौतम बुद्ध का जन्म हुआ। दोनों ने इन चीजों के खिलाफ आवाज उठाई और अहिंसा का भरपूर समर्थन किया। भगवान महावीर की मूल शिक्षा है अहिंसा। सबसे पहले अहिंसा परमो धर्मः का प्रयोग पवित्र ग्रंथ महाभारत के अनुशासन पर्व में किया गया था, लेकिन इसको अंतर्राष्ट्रीय प्रसिद्धि दिलवाई भगवान महावीर ने। दोस्तों, अब हम भगवान महावीर जी के बारे में कुछ अहम जानकारी लेते हैं। करीब 2500 साल पुरानी बात है। ईसा से लगभग 600 वर्ष पहले वैशाली गणतंत्र के क्षत्रिय कुंडलपुर में पिता सिद्धार्थ और माता त्रिशला के यहाँ तीसरी संतान के रूप में चैत्र शुक्ल 13 को वर्धमान का जन्म हुआ। यही वर्धमान बाद में स्वामी महावीर के नाम से विख्यात हुए। महावीर को वीर, अतिवीर और सन्मति भी कहा जाता है। बिहार के मुजफ्फरपुर जिले का आज का जो बसाढ़ गांव है, वही उस समय का वैशाली था। वर्धमान महावीर को लोग श्रेयांश और यशस्वी के नाम से भी जानते थे। वे ज्ञात्रवंश और कश्यप गोत्र के थे। वर्धमान महावीर के बड़े भाई का नाम नंदीवर्धन और बहन का नाम सुदर्शन था। वर्धमान का बचपन राजमहल में बीता। वे बड़े निर्भीक थे। वे 8 बरस के हुए तो उन्हें पढ़ाने, शिक्षा देने, धनुष आदि चलाना सिखाने के लिए शिल्पशाला में भेजा गया। राजकुमार वर्धमान के माता पिता जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ, जो महावीर से 250 वर्ष पूर्व हुए थे, उनके अनुयायी थे। वर्धमान महावीर ने चातुर्याम धर्म में ब्रह्मचर्य जोड़कर पंच महाव्रत रूपी धर्म चलाया। वर्धमान सबसे प्रेम का व्यवहार करते थे। उन्हें इस बात का अनुभव हो गया था कि इंद्रियों का सुख और विषय वासनाओं का सुख दूसरों को दुहक पहुंचा करके ही पाया जा सकता है। यही विचार उनके संन्यास का मुख्य कारण बना। महावीर जी की 28 वर्ष की उम्र में इनके माता पिता का देहांत हो गया। ज्येष्ठ बंधु नंदीवर्धन के अनुरोध पर वे 2 बरस तक घर पर रहे। बाद में 30 बरस की उम्र में वर्धमान ने श्रामणी दीक्षा ली। वे समंत बन गए। उनके शरीर पर परिग्रह के नाम पर एक लंगोटी भी नहीं रही। अधिकांश समय वे ध्यान में ही मग्न रहते, हाथ में ही भोजन कर लेते, गृहस्थों से कोई चीज नहीं मांगते थे। धीरे धीरे उन्होंने पूर्ण आत्मसाधना प्राप्त कर ली। वर्धमान महावीर ने 12 साल तक मौन तपस्या की और तरह तरह के कष्ट झेले। अंत में उन्हें कैवल्य ज्ञान प्राप्त हुआ। कैवल्य ज्ञान प्राप्त होने के बाद भगवान महावीर ने जनकल्याण के लिए उपदेश देना शुरू किया। अर्धमागधी भाषा में वे उपदेश करने लगे ताकि जनता उसे भली भांति समझ सके। भगवान महावीर ने अपने प्रवचनों में अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह पर सबसे अधिक जोर दिया। त्याग और संयम, प्रेम और करुणा, शील और सदाचार ही उनके प्रवचनों का सार था। भगवान महावीर ने श्रमण और श्रमणी, श्रावक और श्राविका सबको लेकर चतुर्विद संघ की स्थापना की। उन्होंने कहा, जो जिस अधिकार का हो वो उसी वर्ग में आकर सम्यक्त्व पाने के लिए आगे बढ़े। जीवन का लक्ष्य है समता पाना। धीरे धीरे संघ उन्नति करने लगा। देश के भिन्न भिन्न भागों में घूमकर भगवान महावीर ने अपना पवित्र संदेश फैलाया। भगवान महावीर ने 72 वर्ष की अवस्था में ईसा पूर्व 527 साल पूर्व बिहार के पावापुरी में कार्तिक, आश्विन, कृष्ण अमावस्या को निर्वाण प्राप्त किया। इनके निर्वाण दिवस पर घर घर दीपक जलाकर दीपावली मनाई जाती है। साथियों, आशा है कि आपको यह वीडियो पसंद आई है। इस तरह की हमारी अन्य वीडियो देखने के लिए इस चैनल को लाइक, कमेंट्स और सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकॉन को भी ऑन कीजिए ताकि हमारे आने वाले हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पहुंचे। और इस वीडियो को हम ईश्वर समर्पित करते हैं। धन्यवाद।